राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं बता दूँ, मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने, क्योंकि फिर टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ रेडी भी करवाने के लिए रहती हैं, जैसे ब्लाउज़ वगैरह। तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ। और एक बार इनका बाहर का गाड़ी का हॉर्न बज गया ना, तो फिर मजाल है कि आप रुक लीजिए घर में, फिर तो निकलना ही निकलना है, चाहे कुछ ले पाया हो या ना ले पाया हो। और बस ले यहाँ मैंने छुआ लिया जल्दी से और निकल आई हूँ, पहुँच जाएंगे। और मैं सोच पहले से ही लेके जाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ मैं आ गई हूँ साड़ी की दुकान में, तो अभी मुझे लेनी है साड़ियाँ। और काफ़ी कलेक्शन देखा लेकिन पसंद ही नहीं आ रहा था। और ये ब्लैक वाली साड़ी डेली यूज के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैंने कहा मुझे अभी डेली वियर वाली साड़ी नहीं लेनी, मुझे अभी करनी है त्यौहार वाली शॉपिंग, इसलिए मैंने नहीं ली। और वहाँ मुझे पसंद नहीं आ रही थी, फिर मैं दूसरी वाली शॉप पे आई हुई हूँ। और साड़ियों की शॉपिंग होने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ जनरल स्टोर में, जहाँ मुझे पूरा श्रृंगार का सामान लेना है। तो वही की कद याद करके निकलवाती जा रही हूँ सारा सामान। और श्रृंगार वगैरह का सामान लेने के बाद में फ्रेंड्स, मुझे लेने हैं करवा खरीदने। तो हमारे यहाँ दो तरीके के करवा चलते हैं, वैसे मोस्टली शक्कर के चलते हैं, ये जो देखिए तरह तरह के डिज़ाइन वाले। तो ये ना छिरके जाते हैं, मतलब पूजा करने के बाद में सासू गए नंद को किसी को भी दे देते हैं श्रृंगार का सामान लगा के। तो यहाँ मैं बोले ये तौल के हिसाब से मिलते हैं, और साथ में मिट्टी के भी करवा खरीदते हैं। तो पहले ये दो करवा मैं शक्कर वाले ले लेती हूँ, इसके बाद में मिट्टी के लूँगी। और शक्कर वाले तो ले लिए हैं, अब मैं ले रही हूँ मिट्टी वाले। तो ये भी काफ़ी सजावट किए हुए रखे हुए हैं देखिए। तो यहाँ मैं एक करवा ये ले लेती हूँ। और अब लौट रहे हैं घर के लिए, काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई है। थोड़ा थोड़ा सामान करते हैं ना, बोलते हैं कम कम ही टाइम दीजिए हर दुकान में सामान लेने में, फिर भी टाइम हो ही जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ आ चुकी हूँ घर पे। अब इन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखना होगा, क्योंकि करवा वगैरह का बच्चों का डर लगता है, कहीं इधर उधर ना कर दें तो फूटने का डर रहता है। तो इन्हें मुझे अच्छी जगह रखना बोला होगा। मोबाइल मत देखना। और चलिए मैं आप लोग को अपनी शॉपिंग हाँ, कल दिखाऊंगी, का क्या है, क्या खरीद कल के का फाइनल लाऊंगी। डला है, तो वहाँ किसी ने बताओ, बताया नहीं। भैया नहीं आए, शॉपिंग दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या मंगाया हुआ है। सीपी आली चावल रख के आई हूँ, क्योंकि भूख लगी जोरों की। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई है, बहुत सुंदर साड़ी है। ये मैंने करवा चौथ के लिए स्पेशल मंगाई हुई है। बंद कर दो, बंद कर दो। ये देखिए साड़ी बहुत खूबसूरत है, ये देखिए। और अब मैं जल्दी से इसको ब्लाउज रेडी होने के लिए डाल देती हूँ, वरना ब्लाउज रेडी हो नहीं पाएगा। इसमें बॉर्डर ना ये इस तरीके से है, वाला रेड है मेहरून वाला, और ये बॉर्डर पूरा ग्रीन का है, इस तरीके से बॉर्डर पूरा ग्रीन का हो रहा है। बहुत सुंदर साड़ी, सच में अमेजिंग साड़ी। मैं सोच नहीं रही थी कि जैसी दिख रही वैसी आएगी क्या। तो ये साड़ी है पूरी, और ये इसका वो है ब्लाउज, ब्लाउज ग्रीन में है इस तरीके से, क्योंकि ये जो पट्टी है वो ग्रीन में है ना, उसी के मैचिंग से ये ग्रीन ब्लाउज है।
तो ब्लाउज में पूरी फुल बाजू का यहाँ तक डिजाइन वाला सिलवाऊंगी, जैसे मैंने वो वाले का सिलवाया है। और सच में ये साड़ी की तो मैं बात क्या कहूँ, ये साड़ी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं काफी सुंदर साड़ी है। और ये लटकन है इसके जो पल्ले में लटकेंगे। तो आप लोग भी बताइएगा मेरी करवा चौथ की शॉपिंग साड़ी कैसी लगी। इसका कलर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है बिल्कुल। तो आज मैं इसे रेडी होने के लिए डालने जा रही हूँ, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वरना फिर रेडी होने के लिए डालूंगी, बट रेडी होके आएगी कब करने के लिए तो तुरंत कर। ब्लाउज के मैचिंग का ये मेरे पास सेट रखा ही हुआ था, तो फिर मैंने नहीं मंगाया हुआ है ब्लाउज के मैचिंग का। ये ग्रीन हो जाएगा, ये मैंने हरियाली तीज पे सॉक्सी से मंगाया हुआ था। तो ये नेकलेस है, निकल गया। और ये हैं इसके इयररिंग। तो फ्रेंड्स यही है मेरी छोटी मोटी शॉपिंग, आप लोग भी बताइए मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और ये फ्रेंड दूसरी साड़ी, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी हुई है, ग्रीन में है, डार्क ग्रीन है, काफ़ी सुंदर साड़ी, जॉर्जेट कपड़े में है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, वैसे भी पहन सकते हैं, काफ़ी सुंदर साड़ी है ये। मुझे साड़ी सब साड़ी में ही पसंद आई, तो ये मैंने मार्केट से ली हुई है। वो वाली रेड वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेस की है। और अब मैं और सामान दिखाती हूँ कि और क्या क्या मैं अभी लेके आई हुई हूँ। और साथ में ये है चलनी, और पूजा में मैं रेड साड़ी ही पहनूंगी, मैरून वाली, उसी के मैचिंग की ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं, तो ये मैंने खरीदी हुई हैं क्योंकि उसी मैचिंग की लेनी थी। और फ्रेंड ये है सारा श्रृंगार का सामान पूरा। और ये है मिट्टी वाला करवा, काफ़ी सुंदर लग रहा है सजा हुआ। और इसी के साथ में दो वो करवा लाई हूँ मैं चीनी वाले, क्योंकि चीनी वाले मोस्टली यहाँ पे चलते ही हैं। और साथ में ये हैं सीकें, और ये वाले करवा ना काफ़ी सुंदर लगते हैं, और ये ना तौल के हिसाब से मिलते हैं क्योंकि चीनी के हैं। और जितने आपको जैसे लेना हो पाव भर या आधा किलो, मतलब जिस उसी हिसाब से ये तौल के ही मिलते हैं। या तोड़िया तो नहीं करवाना पहले वाला। टाइम नहीं मिल पाता ना, सबसे बड़ी समस्या टाइम की जाती है। अब मुझे ब्लाउज और जो साड़ी डाटा के लिए बोल भी सड़क तो नहीं खो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ हो गया है हमारे लड्डू गोपाल जी का सोने का टाइम, तो सारा काम हो ही चुका है, तो अब मैं आ गई उनको सुलाने के लिए। तो यहाँ मैंने बिस्तर किया हुआ साफ, और अपने लड्डू गोपाल जी की जो दिन में ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस मैं उतार देती हूँ, और एकदम सॉफ्ट ही ड्रेस पहनाती हूँ सोने के टाइम, क्योंकि वो वाली ड्रेस तो ये ना थोड़ी चमक धमक में रहती है तो उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती, तो रात के लिए कपड़े मैं अलग से रखती हूँ। तो ये वाली मैंने ड्रेस निकाली हुई है, और तो यहाँ मैं उनका उतारती हूँ श्रृंगार। और चलिए अब शिवरात्रि बोलते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, चलिए सुला देती हूँ मैं। तो यहाँ ये वाली मैंने ड्रेस है ना निकाल देती हूँ, ये वाली सॉफ्ट है काफ़ी, और इसी डिब्बे में साइन की ड्रेस में रखती हूँ इसलिए मैं लेके आई हुई थी। तो ये वाली ड्रेस निकाल दी है और ये वाली पहना रही हूँ। और
तो हमारे लड्डू गोपाल जी सैन कर चुके हैं और यहाँ मैं उड़ा देती हूँ क्योंकि फ़ैन चलता है ना, तो फिर हल्की हल्की ठंडक तो रहने ही लगी है। और यहाँ यही मैं इन्हीं के बगल से ना प्रसाद भी रात में रख देती हूँ कि कहीं भूख ना लगे, तो ये भी मैं ढक के रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, सभी लोगों को शुभ रात्रि। और यहीं पे कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे। मिलेंगे फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम।